चौथे छंद में है कि हरि है राजनीति पढ़ाए, हरि है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहां मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही, वो तो पहले से ही चतुर है, इक अति चतुर होते ही पहले अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी योग संदेश पठाए। रे उद्धव जी आपके द्वारा आप संदेश भी पठा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के अपरहित डोलत थाए, अब अपने मन फेर पाई, चलत जीत चुराए। पहले प्रेम निभाए और अपना जी चुरा के हम भाग रहे हैं, कहीं ऐसा होता है क्या? ते क्यों अनिति करे आप जय और अनिति छुड़ाए, अपने अनिति कर रहे हैं और अब अनिति से भाग रहे हैं। ये प्रेम का दस्तूर नहीं होता है। प्रेम का दस्तूर है कि प्रेम निभाने की संभव प्रयास करना चाहिए और अपने ही नीति से अनिति की ओर भाग रहे हैं। उधर जी को समझा रहे हो भैया, ते क्यों अनिति करे आप जो और अनिति छुड़ाए, राजधर्म तो ऐश्वर जो प्रजानंद जन ही सताए। जो उपयोग प्रेम को प्रेम जो उपयोग प्रेम में डुबा कर और अपने जी को चुरा के चला गया है, वह राजधर्म का पालन क्या करेगा? वो अपने प्रजा के साथ प्रजावत नहीं हो सकता है और प्रजा का प्रतिपालन नहीं कर सकता है। गोपियां कहते हैं कि श्री कृष्ण तो किसी राजनीतिज्ञ की तरह हो गए, स्वयं ने आकर उद्धव को भेज दिया है ताकि वहां बैठे बैठे इन गोपियों का सारा हालचाल जान जाए। एक तो वे पहले ही चतुर थे और अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है, इससे गोपिया का मन और भी फिर गया है और वह बोलने लगा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उससे मिलना नहीं चाहते। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, जबकि कृष्ण तो राजधर्म का पालन कर रहे हैं। जो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए, तो हम लोग को प्रेम में डूबो कर हम लोग को क्यों सता रहे हैं? ये जो गोपियों की व्यथा है, विरह वेदना है, यह पूरा सूरदास ने भ्रमण गीत के द्वारा रचाया है, बसाया है और गोपियों की अंतर व्यथा को बताने के लिए चेष्टा की है, प्रयत्न किया है। यह चैप्टर या पाठ जो है भ्रमण गीत समाप्त होता है।